हेलो भाई, फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी बैरिनू। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और जैसा कि नवरात्रे शुरू हैं, तो नवरात्रों में साबूदाना खिचड़ी ना बनाई जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये इतनी टेस्टी और न्यूट्रिशियस डिश है जिसको आप नवरात्रों के बिना भी खा सकते हैं, जब मर्जी आपका मन चाहे। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, तो आपकी साबूदाना खिचड़ी हमेशा खिली खिली बनेगी और बिगिनर्स भी इसको आराम से अच्छे से बना सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी डिश को बनाना। कम ऑन। एक कटोरी साबूदाना लेना है। साबूदाना ये देख रहे हैं आप, मीडियम साइज वाला है। इसको पर्ल मिलेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। साबूदाने के साथ हमें चाहिए एक बड़ा आलू, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अगर आप मीडियम साइज ले रहे हैं तो दो आलू ले सकते हैं। एक चम्मच अदरक, बड़ा चम्मच अदरक का, जिसको कद्दूकस कर लिया मैंने। दो से तीन हरी मिर्च, आधा नींबू, थोड़ा सा हरा धनिया, एक टेबलस्पून लगभग, और तीन टेबलस्पून मूंगफली। और चाहिए हमें देसी घी 3 से 4 चम्मच, टेबलस्पून 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी। सेंधा नमक 1.5 से 2 चम्मच, 1 टीस्पून जीरा। अगर आप चाहें तो उबले हुए आलू भी ले सकते हैं, पर मैं इस तरह से प्रेफर करती हूँ, कई बार उबले हुए आलू मैशी से हो जाते हैं। साबूदाने को हम बाउल में लेके अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी स्टार्च निकल जाए। इसमें पानी डालिए, हल्के हाथों से रब कीजिए। इस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे, हम फेंक देंगे। पानी को फेंक दिया मैंने एक बारी, अब दोबारा से इसमें पानी डालेंगे। कम से कम इसको इससे 3 बारी हमने रिंस करना है अच्छे से, ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। पानी को फिर फेंक देंगे एक बार। पानी फेंक दिया मैंने और इस तरह से आप स्ट्रेनर में छान सकते हैं। अब हमने इसमें इतना पानी डालना है कि सिर्फ ये डूबे साबूदाना। ये आप देख रहे हैं, सिर्फ सबमर्ज्ड हुआ है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना हमने। अब इसको हम ढककर 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। साबूदाना भिगोए हुए 5 घंटे हो चुके हैं, हम इसको खोल के चेक कर लेंगे। वाह, देखो कितने अच्छे से ये पूरा सॉफ्ट हो चुका है। आप इसको हाथ से दबाकर प्रेस करके देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको हम अब छान लेंगे और एक्स्ट्रा पानी जो होगा ताकि वो निचुड़ जाए, निथर जाए। आप मेरे इस स्टाइल से बनाएंगे साबूदाना तो हमेशा आपका बिना चिपके बहुत अच्छे स्टाइल से बनेगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसको 4-5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाए। तब तक हम तड़के की तैयारी करते हैं। चलिए तड़का बनाते हैं इसका। एक कढ़ाई गैस पे रख के गैस ऑन कर लेंगे। जब हल्की सी कढ़ाई गर्म हो जाए तो हमने इसमें जो मूंगफली है वो डाल के इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है, बिना घी के हमने इसको रोस्ट करना है। आंच को बिल्कुल मीडियम सेक पे इसको हमने भूनना है। ये हल्की ब्राउन हो गई है मूंगफली और इसका रॉ अरोमा जो है वो चला गया है। गैस बंद कर देंगे। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे।
इस तरह से बाउल में ट्रांसफर करके थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसे हम मिक्सी में पल्स पे ग्राइंड करेंगे। ज्यादा बारीक नहीं पीसना इसको। ये ग्राइंडर जार में हमने डाल ली मूंगफली को। इसे बिल्कुल हल्का लो पे करके ग्राइंड करेंगे ताकि ये बिल्कुल बारीक नहीं हो। बस देख रहे हैं, हल्का ग्राइंड किया हमने इसको, पूरी तरह ग्राइंड नहीं किया। जैसे दरड़ बोलते हैं ना, हमने दरड़ कर लिया इसको। अब कढ़ाई को रखेंगे गैस के ऊपर, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई गर्म हो जाएगी। तो हमने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून थोड़ा सा घी अच्छे से डालना है ताकि चिपके नहीं साबूदाना आपस में। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा। जीरा जब ब्राउन हो जाएगा तो हमने इसमें अदरक डाल देना है। और साथ ही हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको अगर तीखा पसंद है तो आप 1/4 हरी मिर्च और डाल दीजिए। इसको 1-2 मिनट के लिए सौते करेंगे ताकि इसका जो रॉ अरोमा है, जो जिंजर का अदरक का जो एक स्मेल सी आती है वो चली जाए। अब ये 2 मिनट बाद हमने जो आलू काटे हुए थे इनका पानी निकाल दिया है और इसे हम डाल देंगे कढ़ाई में। अब साथ ही नमक डाल देंगे हम। अगर आप फास्ट के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक डालिए, अगर आप नॉर्मली वैसे खाने में और यूज कर रहे हैं खिचड़ी को तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। आलू हमने उबले हुए नहीं यूज किए तो हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। 4 से 5 मिनट तक इसको हम कम गैस पे, मीडियम आंच पे इसको पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेंगे कढ़ाई को खोलकर। ढक्कन हटा दिया मैंने, बहुत अच्छे से आलू गल गए हैं। आप तोड़कर चेक कर लीजिए, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। बिना उबाले भी ज़्यादा देर नहीं लगती है और मुझे लगता है पर्सनली कि इस तरह से आलूओं का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है इस साबूदाना खिचड़ी में। बस अब कुछ नहीं करना, हमने जो ये साबूदाना निचोड़ के रखा था वो डालेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स देंगे। चार पांच मिनट के लिए इसको लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। जब आलूओं के साथ जीरे के साथ ये देसी घी की खुशबू घुल मिल जाती है तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी डिश तैयार होती है। और ये है भी, हेल्दी भी है। फास्ट ना भी हो, आप कभी भी डिनर में कुछ लाइट खाना चाहते हैं तो इसे खा सकते हैं। अब ये देखिए 4-5 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए। इसमें हल्का सा हम पानी डालेंगे, 2-3 चम्मच भी, क्योंकि ये थोड़ा हल्का सा नीचे से चिपके ना उसको बचाने के लिए हमने
जस्ट 3-4 टेबलस्पून्स, नॉट मोर देन दैट। इसे भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं साबूदाने का कलर ट्रांसपेरेंट हो गया है, दिख रहा है आपको इसमें? दैट मीन्स अब ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गया है। अब हम इसमें जो हमने मूंगफली ग्राइंड की थी वो डालेंगे। मूंगफली थोड़ी ऐसे साबुत मुंह में आती अच्छी लगती है और थोड़ी इस तरह से ग्राइंड की हुई। अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद। अब इसमें जाएगा हरा धनिया, और नींबू का रस। आप इसमें से कोई भी चीज जो आप फास्ट में नहीं खाते आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना खिला खिला बना है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अब ये खाने के लिए तैयार है, इसकी प्लेटिंग करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्टी बाय रेनू। बाय बाय।